एक गाड़ी तब तक गाड़ी है जब तक आप उसको गाड़ी की तरह इस्तेमाल करें, नहीं तो इट इज़ जस्ट लाइक वेपन, वो एक हथियार है। अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो किसी की भी जान जा सकती है और फिगर्स आपके सामने है। ट्रैफिक गुरु जिन्होंने दिल्ली को बनाया सुरक्षित। 2018 में हुई थी 4,67,044 दुर्घटनाएं, मारे गए थे 1,51,417 लोग, घायलों की तादाद रही थी 4,72,418। हर घंटे सड़क पर होती है 17 मौतें, हर घंटे घायल होते हैं 53 लोग, यानी सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं हर घंटे 70 लोग। लेकिन जानते हैं देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सी जगह है? वो है देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ 24 घंटे में 5 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। दिल्ली से सीख सकता है देश, मगर दिल्ली को किसने सिखाया? दिल्ली को सिखाने वाले का नाम है शैलेश। जी हाँ, शैलेश सिन्हा, ट्रैफिक गुरु, ट्रैफिक इन्वेंटर, ट्रैफिक रिवोल्यूशन, आप चाहे शख्स को जो चाहे नाम दे, दिल्ली को ट्रैफिक अनुशासन सिखाने वाले शख्स यही हैं। हमारे देश में ऑन एन एवरेज पर आवर लगभग 18 से 20 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है जो कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से पर एनम 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में आता है। और उसका एक वर्स्ट पार्ट ये है कि जो भी सड़क पर व्यक्ति होता है वो व्यक्ति वो होता है जो घर का ब्रेड अर्नर होता है। दैट मीन्स उसकी उम्र कुछ 18 साल से लेकर के 35-36 साल के बीच में मेजरली रहती है, क्योंकि वही है जो घर के लिए रोटी कमाने के लिए बाहर जाता है। और अगर इस नंबर में उसका रेशो ज़्यादा है तो हमारे देश की GDP पर भी असर पड़ता है, और जिस घर का वो विक्टिम होता है उस घर पर भी बहुत असर पड़ता है। तो अब हम लोग उस सेगमेंट को जो ट्रैफिक न्यूज़ से शुरू हुआ था, अब हम उसको लेके पहुंच चुके हैं ट्रैफिक एजुकेशन सिस्टम पे, और हम लोग जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट हाउसेज, इवन इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं कि कैसे आप लोग को सतर्क रहना है, कैसे आपको अच्छे से चलना है। तारीफ में ये सावधानी भी जरूरी है कि शैलेश सिन्हा ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई अन्य नामचीन शहरों में भी ट्रैफिक अनुशासन को बदला है। इनमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहर भी शामिल हैं। लिहाजा एक ट्रैफिक गुरु के तौर पर शैलेश की कर्म भूमि का कैनवास संपूर्ण भारत है। देश भर में अब शैलेश के बताए गए ट्रैफिक के गुर अपनाए जा रहे हैं। शैलेश को ट्रैफिक की दुनिया में लेकर आई है खुद उनकी सोच। कोई क्रिकेटर सेंचुरी मार ले तो मन खुश हो जाता है, मगर अपनी स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? नेता, उद्योगपति, कलाकार चाहे कुछ भी अच्छा करे या बोले, उससे हमारी अपनी स्थिति क्या बदल पाती है? शैलेश ने आम लोगों की जरूरतों को नए तरीके से सोचा। अगर दिल्ली के करावल नगर से कनॉट प्लेस जाना हो, हरिनगर से एम्स पहुंचना हो, पटपड़गंज से सचिवालय जाने की जल्दी हो, तो ये कैसे मुमकिन है? कहां ट्रैफिक जाम मिलेगा, कैसे इस जाम से बचकर वहां पहुंचा जाए जहां पहुंचना जरूरी है? शैलेश ने महसूस किया और महसूस कराया कि ये जानकारी क्रिकेट के स्कोर जानने से कहीं अधिक जरूरी है। शैलेश ने ट्रैफिक न्यूज पर काम करना शुरू किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया, ट्रैफिक पुलिस को जोड़ा, हर हिस्से से युवाओं को जोड़ा, सूचनाओं को इकट्ठा करने का सिस्टम बनाया, फिर उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया, FM के साथ अपने आइडिया को शेयर किया, तो जल्द महसूस हुआ कि आइडिया न केवल सेलेबल था बल्कि हर किसी के लिए उपयोगी और जरूरी था। पहले हर 15 मिनट पर दिल्ली के मुख्य सड़कों की अपडेट शुरू हुई, उसके बाद ये समय घटता चला गया। FM रेडियो पर ट्रैफिक जाम के अपडेट से जिंदगी में बदलाव आया। मुझे इस भारत देश में फादर ऑफ ट्रैफिक न्यूज सिस्टम भी बोला जाता है। उसके पीछे रीजन है कि हम लोगों ने ट्रैफिक के न्यूज को इतना आसान कर दिया, वो ऐसे कि अगर आपको घर से निकलना था तो आप बस एक शॉर्ट कोड पर मैसेज डालते फ्रॉम करोल बाग टू मालवीय नगर, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रिवर्स में आती थी 5 डिजिट के शॉर्ट कोड नंबर पर। फिर हमने उसको इंटरनेट पे लेकर के आए कि आप वेबसाइट पर लाइव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन देखे दिल्ली और NCR में। थर्ड पार्ट हमने किया, हमने इस प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जितने भी टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, टॉप, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन सब पे लॉन्च किया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हमने की वो हमने डिश TV के साथ एसोसिएट होकर के एक देश का पहला
ट्रैफिक न्यूज चैनल लॉन्च किया जिसमें आप लाइव ट्रैफिक न्यूज इन्फॉर्मेशन देखते थे। शैलेश ने अपने अनुभवों के साथ द ट्रैफिक पीपल्स डॉट नेट नाम से वेबसाइट लॉन्च कर पल पल की अपडेट जनता को उपलब्ध कराई। फिर ट्रैफिक जाम से अपनी चिंता का दायरा बढ़ाते हुए सड़क पर दुर्घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। सड़क पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, ओवर स्पीड, ओवरटेक, दो गाड़ियों के बीच दूरी, ब्रेक जैसे रिएक्शन के लिए उचित समय जैसी चीजों पर दिन रात शैलेश ने मेहनत की। गाड़ी चलाते हुए आपके पास दो चार पॉइंट्स बहुत सेफ्टी के लिए होने चाहिए। नंबर एक, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपके पास हमेशा रिएक्शन टाइम होना चाहिए। रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी और आपकी अगली गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम 12 से 15 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि मान लो अचानक वो ब्रेक मारता है तो आपके पास रिएक्शन टाइम है, तो रिएक्शन टाइम के लिए आप हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, नंबर एक। नंबर दो, हमेशा अपने साइड व्यू मिरर्स को यूज़ करें, चाहे बाइक पे हो चाहे कार पे हो, आपके साइड व्यू मिरर्स और रियर व्यू मिरर को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको अपनी लेंस के बारे में पता चलता है। और हाईवे पर कभी भी ओवर स्पीड मत करें। ओवर स्पीड में सबसे हाइएस्ट जो लेन होती है, सबसे राइट साइड की जो लेन होती है, दैट इज़ ऑलवेज एन ओवरटेकिंग लेन। कभी भी ओवरटेकिंग लेन में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ओवरटेक लेन हमेशा ओवरटेक के लिए ओवरटेक करें और अपने लेन में आ जाएं। नंबर चार ये है कि कभी भी जैसे हमारी हाईएस्ट ट्रैफिक स्पीड लिमिट होती है तो एक लोएस्ट भी होनी चाहिए। हमारे देश में सिस्टम नहीं है, बट लोएस्ट स्पीड लिमिट से भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं तो धीरे चला रहा हूँ, मैं किनारे चला रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि वो रिएक्शन टाइम को और बिगाड़ देता है, क्योंकि कोई पीछे से आ रहा है उसको अंदाज़ा नहीं है कि आप धीरे चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन वो धीरे भी बहुत बड़ा फेटल हो सकता है पीछे से आने वाले के लिए और आगे आपके लिए भी। और दूसरी चीज़ ये, जितने भी आपकी गाड़ी के लाइट्स, इंडिकेटर, हैजर्ड लाइट, पार्किंग लाइट, टायर के जो कंडीशन है, सब कुछ हमेशा फिट लेके चले। डिश टीवी के साथ देश का पहला ट्रैफिक न्यूज चलाने का श्रेय भी शैलेश सिन्हा को जाता है। ट्रैफिक की बारीकियां सीखते हुए उसे समाज के साथ शेयर करते हुए, इसके लिए रेडियो, वेबसाइट, ऐप और टीवी जैसे संचार माध्यमों के जरिए नए नए सिस्टम इजाद करते हुए शैलेश में अब कई नई खूबियां पैदा हो चुकी थी। वो अब स्टार्टअप उद्यमी हो गए, आरजे तो थे ही, मीडिया प्रोफेशनल भी बन गए। हाँ, एक महत्वपूर्ण पहलू तो छूट ही गया, शैलेश शानदार क्रिकेटर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से उन्होंने आकाश चोपड़ा के साथ सलामी बल्लेबाजी भी की है, अंडर 16 और अंडर 19 में खूब खेले, मगर देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना उनका अधूरा रह गया। मगर इन अधूरे सपनों ने ही उन्हें सपनों का सौदागर भी बनाया। जब ट्रैफिक गुरु शैलेश टीवी चैनलों पर चमकने लगे, लोग उनके योगदान दांतों तले उंगली दबाकर देखने लगे, तो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी शैलेश को भोजपुरी फिल्म में हीरो बनने का अवसर भी मिला। प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी। मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे नामचीन कलाकारों के साथ शैलेश सिन्हा ने भी नाम कमाए। शोहरत के नए पड़ाव पर शैलेश एक बार फिर क्रिकेट से जुड़े, मगर इस बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी CCL से उन्हें जुड़ने का अवसर मिला। खुद सलमान खान ने उन्हें अपनी टीम भोजपुरी दबंग्स के लिए चुना। कप्तान के रूप में मनोज तिवारी मिले, जिनके साथ वो पहले ही ठुमके लगा चुके थे। बहुमुखी प्रतिभा की बात करें तो किताबों में पढ़ी और सुनी जाती है, लेकिन शैलेश इस बहुमुखी चहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है। वो ट्रैफिक रूल बनाने सिखाने में ही नहीं, सड़क पर सबसे तेज कार चलाने में भी चैंपियन है। नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप शैलेश ने जीती है। 2007-08 का ऑटो क्रॉस नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं शैलेश सिन्हा। स्कूल हो, कॉलेज हो, टीवी डिबेट हो या फिर दूसरे सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम, हर जगह शैलेश सिन्हा की मांग है। अब वो मोटिवेटर भी हो चुके हैं। उपहार के तौर पर पौधे बांटने की जागरूकता फैलाते हुए एक दशक से ज्यादा वक्त उन्हें हो चुका है। एज ट्रैफिक एक्सपर्ट, जब मैं पोल्यूशन पर बात करने लग गया लगभग 2009-10 के आसपास, तो मेरे मन में एक और विचार आया कि पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग ऑन एवरेज हमारे आसपास जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी होता है उतना हमारे लिए अच्छा है। आपको अंदाज़ा है कि ऑन एवरेज एक व्यक्ति को पर 24 आवर लगभग 3 से 4 फीट के प्लांट हमेशा आसपास चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट फिर भी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। इस तहत क्या हुआ कि हम लोगों ने ग्रीनरी को, ग्रीनिफिकेशन को ग्लैमराइज करना शुरू किया। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग ग्रीनरी को केवल प्लांट्स तक नहीं, हमने उसको पूरा डेकोर का प्रोडक्ट बना दिया। कहने का अर्थ ये है,
की जिंदगी आसान कैसे बनाई जाए, रचनात्मक कैसे बनाई जाए, देश कीमती कैसे बनाई जाए, अगर सीखना हो तो हमारे पास हैं शैलेश सर, कमाल के गुरु, कमाल के मोटिवेटर, कमाल के ट्रैफिक इनोवेटर। क्यों आप नहीं कहेंगे, कमाल है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.